सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं हूँ उपस्थित भूपेंद्र भाई के साथ में। आज हम लोग जो है नानकमत्ता उत्तराखंड, जो जिला उधम सिंह नगर में पड़ता है, बहुत ही प्रमुख जगह, बहुत ही फेमस प्लेस है, वहाँ हम आज विजिट करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये यूपी का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लिखा है उत्तराखंड बॉर्डर, 2.8 किलोमीटर यहाँ से उत्तराखंड का बॉर्डर है। उसके बाद हम उत्तराखंड बॉर्डर में एंटर हो जाएंगे। और हम सफ़र कर रहे हैं भूपेंद्र भाई की होंडा साइन के साथ में। और भूपेंद्र जी जो है, भूपेंद्र जी का इंट्रो हो जाए थोड़ा। हाँ जी, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और हम लोग जा रहे हैं नानकमत्ता, जैसे कि शिव कुमार भाई ने बताया है, और आज वहाँ पर ही हम लोग इन्जॉय करेंगे, मत्था टेकेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाकी हम आपको दिखाएंगे वहाँ का डैम दिखाएंगे, वहाँ का जो वाटरफॉल है वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ गुरुद्वारे का लोकेशन आपको दिखाएंगे, और बहुत सी ऐसी जो जगह नानकमत्ता में जो फेमस हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। सो फाइनली गाइज, हमारा सफ़र जो है चल रहा है नानकमत्ता की तरफ विद भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र भाई हमारे जो है बाइक ड्राइव कर रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया दोस्तों, यहाँ जो है बारिश हो चुकी है। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो वहाँ बिल्कुल मौसम साफ था। जैसे ही हम उत्तराखंड के बॉर्डर को टच किया है हमने, बारिश यहाँ पर हो चुकी है और हमारे आगे बारिश हो भी रही है। शायद हमें रास्ते में रुकना पड़ जाए, आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस, शानदार मौसम का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पल, और यहाँ जो है बारिश हो रही है। ये जो लोकेशन है, ये मंझोला से सितारगंज जो रोड जाता है, ये सितारगंज की तरफ रोड जा रहा है। इस रोड को जो है विस्टी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये विस्टी वाला रोड है सितारगंज मंझोला मार्ग। तो गाइज, अभी हमने आपको दिखाया कि आगे बारिश हो रही थी और उस बारिश की गिरफ्त में जो है हम भी आ गए थे। भूपेंद्र भाई और हम दोनों बिल्कुल भीग गए थे, एक पेड़ के नीचे हम लोग छिप गए, थोड़ा सा बच गए। और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, यहाँ पानी पानी हो गया है, देख सकते हैं आप। पीछे की तरफ देख सकते हैं आप, बारिश का पानी सड़कों पे पूरा आ गया है। और उस साइड में जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में बारिश हो रही है बहुत तेजी से। और जब बारिश खुल गई हम लोगों ने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पानी आप देख सकते हैं गाइस, सड़कों पर पूरी तरह बहुत तेज एकदम से बारिश हो गई है। ये भी भाई जो है बारिश से बचने के लिए पेड़ के पास जो है छिप गए, और आगे वाले भाई जो है पूरी तरह भीग गए। देखिए किस तरह से ये अपनी शर्ट निचोड़ रहे हैं, शर्ट निचोड़ते हुए आपने भी देखा भैया, मतलब बारिश की गिरफ्त में इस तरह से आ गए कि लोगों को सारा बोर कर दिया बारिश ने। फाइनली गाइस, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, बहुत गुड लुकिंग सा मौसम हो गया है, और बारिश जो है स्टॉप हो गई और हमने जो है प्रस्थान कर लिया है अपनी मंजिल की तरफ। बने रहिए गाइस हमारे साथ में, ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए। तो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं नेशनल हाईवे जो किच्छा से नानकमत्ता को जोड़ता है। और अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है इस साइड में, हम नानकमत्ता की तरफ जा रहे हैं। सूरज आप देख सकते हैं हमारे सर पर, ये प्यारी सी नदी, नदी का नाम तो नहीं कंफर्म है। ये नदी जो है इस साइड में जाएगी और यहाँ
पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो द्यूनी डैम आता है उसमें जो है ये इसका पानी रोका जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ से दो नदियाँ और बनाई जाती हैं, वहाँ का पानी दो जगह डिवाइड होता है। हम लोग नानक मत्ता पहुंच चुके हैं और ये नानक मत्ता का प्रवेश द्वार, मेन गुरुद्वारा जो आप देख रहे हैं, जूम एक्स करके दिखा देता हूं। सामने हमारा जो है मेन गुरुद्वारा पड़ रहा है, गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब चलकर हम मत्था टेकेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ेंगे। गाइस, जैसा कि आज आपको पता था हमने कवर किया नानक मत्ता का ब्लॉग। जैसे कि नानक मत्ता गुरुद्वारे जो उनके अंदर वीडियो बनाना होना था, इसलिए हमने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। बाकी हम नानक मत्ता सिटी को क्रॉस करके हम बढ़ गए हैं नानक सागर डैम की तरफ। आगे हम आपको नानक सागर डैम का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नानक सागर डैम दिखाएंगे। आज से एक महीने पहले लगभग नानक सागर डैम बिल्कुल सूखा था, बारिश का पानी जो है बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर बारिश हुई, अब जो है बारिश का पानी यहाँ पर आ गया है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पानी है। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे वाटरफॉल जो नानक मत्ता डैम से जो है नदी में छोड़ा गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ में पूरे ब्लॉग। गाइस, नानक मत्ता सागर डैम आप देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं नानक सागर डैम पर। डैम आप देख सकते हैं। आप यहां पर नानक सागर डैम का व्यू देख सकते हैं। कल जब मैं शाम को यहां पर आया था तो इस ये जो साइड आप देख रहे हैं, इस साइड में पानी बहुत तेजी से चल रहा था, मतलब वाटरफॉल जो है बहुत प्रेशर के साथ हो रहा था। आज जो है गेट बंद कर दिए गए हैं, कल 4 गेट से पानी छोड़ा गया था और बहुत तेज़ी के साथ प्रेशर बना हुआ था। हालांकि आज गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। यहाँ आप इस साइड में देख सकते हैं, कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे हिसाब से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस, आप देख सकते हैं ये नानक सागर डैम। कल यहाँ से जो है बहुत तेज़ी से प्रेशर था और पानी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर जा रहा था, और वो जो आप पत्थर की साइड देख रहे हैं, वो पत्थर की साइड पूरी बहुत ज़्यादा पानी पानी था बिल्कुल। आज पूरी तरह से डैम सूख गया, तो मुझे लगा कि अचानक से ये एकदम से क्या हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं ये भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं। एक भाई वो हैं अपनी मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं बस अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूं। गाइस, कमेंट में बताइएगा कैसा रहा ब्लॉग। गाइस, इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।